नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी के टाइम में अगर आप देखें तो जब से जनाधार 2.0 लॉन्च हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इसमें काफ़ी सर्विसेज थी जो बंद थी, जिससे कि सभी प्रकार की जो सर्विसेज थी काम नहीं कर रही थी, जिससे काफ़ी अलग अलग टाइप की समस्या आ रही थी। और अभी के टाइम में अगर आप देखें तो स्कूल और छात्रवृत्ति दोनों में काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो अब जो साइट है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। तो आज के वीडियो में आपको जनाधार डाउनलोड का भी बता दूंगा कि किस प्रकार आप अपना जो जनाधार कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो सर्विस है वो अब कम्प्लीटली वर्क कर रही है, और अगर आप चाहें तो अपना जनाधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई करेक्शन करवाया जनाधार कार्ड में और चाहते हैं कि उसे आप डाउनलोड करें तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं करेक्शन होने के बाद। तो यहाँ पर आप देखें तो जनाधार नामांकन 2.0 ये हमने ओपन किया है, और ये ई मित्र पर परफेक्टली वर्क कर रही है। सिटीज़न पोर्टल में अभी मुझे पता नहीं है कि डाउनलोड हो रहा है या फिर नहीं, पर ई मित्र वाले पोर्टल में ये कम्प्लीट डाउनलोड हो रहा है। तो अगर आपको जनाधार कार्ड की ज़रूरत है, आपने करेक्शन करवाए हैं या फिर नया बनवाया है, तो आप ई मित्र पर जाकर अपना जो जनाधार है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो बाकी की सर्विसेज भी हैं तो वो भी अगर मैं आपको बताऊं तो एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है, और इसमें भी आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो हम जो जनाधार कार्ड है वो डाउनलोड करके देखते हैं कि किस प्रकार डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड ई कार्ड, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये वेट हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले रहा है, पर यह परफेक्टली वर्क कर रही है। तो हम इसे देख लेते हैं किस प्रकार चल रहा है। तो यहाँ पर आपको जनाधार संख्या या रसीद संख्या, अगर आपने नया जनाधार बनाया है तो आप रसीद संख्या से भी इसमें एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप जनाधार कार्ड संख्या लगाकर इसमें खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम खोजे पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें तो जो व्यक्ति है उसका जनाधार कार्ड कंप्लीट आपके सामने आ रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो OTP का सिस्टम जल्दी लागू हो जाएगा। तो ये सर्विस आज ही चालू हुई है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जिसके कारण इसमें बिना OTP ये डाउनलोड हो रहा है। पर अगर आपका कोई कस्टमर है तो उसे आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी OTP का सिस्टम और जो फिंगरप्रिंट का सिस्टम है वो भी जल्दी चालू हो जाएगा। तो ये आप डाउनलोड करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें अभी के टाइम में जब आप देख रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें किसी प्रकार का हमारा जो ट्रांजैक्शन जो हमने किया था पहले, जो 10 रुपये कटते थे वो इसमें नहीं कट रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में तो ये परफेक्टली जब चालू हो जाएगी तो उस टाइम में आपके जो टोकन है वो भी कटना शुरू हो जाएगा। तो अभी के टाइम तो इसमें टोकन भी नहीं कट रहा है, पर आप अगर जनाधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका जनाधार डाउनलोड हो जाएगा। और लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है या जनाधार से जुड़ी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।